शुरू हुई श्रद्धा कपूर टाइगर श्रॉफ की बागी 3 की शूटिंग। नमस्कार, एक्टर टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर पिछले काफी वक्त से अपनी फिल्म बागी 3 के चलते खूब सुर्खियों में थे। बीते दिन खबर थी कि फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू होने वाली है। बता दें कि 12 सितंबर से शूटिंग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर बागी 3 के कुछ तस्वीरें शेयर की गई है। इन फोटोज में लीड किरदार यानी टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के अलावा फिल्म से जुड़ी बाकी टीम भी दिखाई दे रही है। सामने आई तस्वीरों में एक्टर रितेश देशमुख भी नजर आ रहे हैं, यानी इस फिल्म में रितेश भी नजर आएंगे। हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ है कि रितेश फिल्म में किस रोल में दिखाई देंगे। पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि इस फिल्म में श्रद्धा कपूर होस्टेस का रोल निभाने जा रही है। इस रोल के लिए श्रद्धा कपूर ने कुछ वर्कशॉप भी अटेंड की, जिससे वो अपने रोल को आसानी से निभा सके। आपको बता दें कि इन दिनों फिल्म मुंबई में भी शूट होगी। उसके बाद बागी 3 की टीम आगरा जाएगी और उसके बाद इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए टीम जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बागी 3 की टीम जॉर्जिया भी जाएगी। बागी और बागी 2 की सफलता के बाद मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म में और भी ज्यादा एक्शन सीन हो, इसलिए फिल्म को बाहर शूट किया जाएगा। सिर्फ टाइगर श्रॉफ ही नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर भी इस फिल्म में एक्शन सीन करती हुई दिखाई देगी, जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी ली। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में में नजर आ रही है। बागी 3 को अहमद खान ही डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल 6 मार्च को रिलीज होगी। हाल ही में रिलीज हुई श्रद्धा कपूर की फिल्म छिछोरे के निर्माता भी साजिद ही थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। 6 दिनों में इस फिल्म ने 61.33 करोड़ रुपए कमाए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।